आज था मुकाबला वीर और जारा का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के 8वें मुकाबले की, जहां भिड़ी थी कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीम। यहां हमें देखने को मिला आंड्रे रसल, यानी कि रसल मसल का तूफान। काफी लंबे अरसे के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसी परफॉर्मेंस की है, जहां पर 31 गेंदों में 70 रन बनाए आंड्रे रसल ने। आपको बताएंगे इस धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद क्या कहा आंड्रे रसल ने। जी हाँ, क्रिकेट इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लक्षित। आंड्रे रसल ने सबसे पहले यही कहा कि जब वो बल्लेबाजी के लिए आए, मात्र 50 के स्कोर पे 4 विकेट्स खो दिए थे केकेआर की टीम ने, और वहां से जरूरत थी एक संभली हुई पारी की, जहां पे उन्होंने अपने साथी बल्लेबाज सैम बिलिंग्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बढ़िया स्ट्राइक रोटेशन की, क्योंकि जब 50 पे 4 विकेट्स खो दिए थे केकेआर ने, आपको चाहिए था कि पारी थोड़ी सी संभल जाए। वहां हमने देखा राहुल चहर और हरप्रीत बड़ार की गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से स्ट्राइक रोटेशन की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उन्हें पसीना आ गया था, एक बारी बॉडी वार्म अप हो गई थी आंड्रे रसल की, तब वो अग्रसर हुए थे चौके और छक्कों पे, ज्यादातर तो छक्कों पे अग्रसर हुए थे, जहां जब अपनी बल्लेबाजी में 2 चौके और 8 बड़े बड़े छक्के लगाए थे आंड्रे रसल ने। बता दिया जाए हरप्रीत बड़ार, ओडियन स्मिथ, अर्शदीप सिंह, इन 3 गेंदबाजों को स्पेशली टारगेट किया था। उसके बाद बातचीत करते उन्होंने यही कहा कि जब एक बार उनकी बॉडी गर्म हो गई थी, तब वो सिर्फ यही देख रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को खत्म किया जाए। उसके बाद जब आंड्रे रसल से पूछा गया कि गेंदबाजी में उन्हें कुछ कम ओवर्स मिले थे, उसके बारे में उन्होंने यही कहा कि बतौर ऑलराउंडर वो मात्र अगर 1 से 2 ओवर ही मिल डालें अपनी टीम के लिए और गेंद के साथ किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी कप्तान को, अपनी गेंदबाजी को, वही उनके लिए बहुत होगा। और आज वही हुआ, जब उन्होंने मात्र 1 ओवर डाला और 2 गेंदों में ही 2 सफलताएं मिल गई उस ओवर में, जहां पहली गेंद पे कगिसो रबाडा के विकेट मिली थी, जहां टिम साउदी ने बढ़िया कैच पकड़ा था, और दूसरी गेंद पे तो रन आउट हुआ था, जहां हर्षदीप सिंह हुए थे आखिरी विकेट का शिकार पंजाब किंग्स की पारी में। उसके बाद उन्होंने जब पूछा गया कि जब बाकी बल्लेबाज बचे थे क्या था उनके माइंड में, तब आंड्रे रसल का यही कहना था कि उन्हें पता था कि उनके विकेट के बाद एकमात्र सुनील नारायण आएंगे, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसके बाद मात्र टेल बची है, जहां पे वरुण चक्रवर्ती हैं, टिम साउदी हैं, उसके बाद उमेश यादव हैं, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उनके माइंड में यही था कि इस मुकाबले को उन्हें ही ख़त्म करना है। और जब उनसे अंततः पूछा गया कि राहुल चहर की गेंदबाजी किस तरह से थी, उनका वहां पे यही कहना था कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो कि हरप्रीत बड़ार थे, उनकी गेंद अच्छी ग्रिप नहीं हो रही थी, लेकिन राहुल चहर की गेंद खासी फंस के आ रही थी, जिसके चलते हमने ज़रूर देखा कि आज आंड्रे रसल बहुत सोच समझ के बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल चहर के सामने। एक भी रिस्क, एक भी चौका या छक्का राहुल चहर की गेंदबाजी पे शायद इसीलिए नहीं आया। और दूसरी तरफ से जब हरप्रीत बड़ार थे, ओडियन स्मिथ के ओवर में 30 रन आए, जिसके अंदर 4 छक्के और 1 चौका जड़ दिया था आंड्रे रसल ने, जिसके साथ आज 31 गेंदों में 70 रन बनाए, 2 छक्कों के साथ खत्म किया इस मुकाबले को। 8 छक्के 2 चौके लगाए आंड्रे रसल ने आज अपनी पारी में, जिस तरह से हमने आज देखा है आंड्रे रसल, यानी कि रसल मसल का तूफान। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस तरह से लगी आज आंड्रे रसल की पारी, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जब भी आंड्रे रसल चलते हैं मुकाबला जिता के जाते हैं। जाने से पहले क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब, जानने के लिए IPL और क्रिकेट जगत से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट।